रूम नहीं मिल रहा है हम लोग को। बनारस नहीं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज माई फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग वीडियो। तो जैसा कि मैंने पोल डाला था कि विच प्लेस वुड यू लाइक टू सी इन ए व्लॉग, तो आप सभी ने 8 वोट के साथ मथुरा वृंदावन को कहा था, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो फैमिली को बाय करके निकल जाता हूँ बस स्टैंड। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने जैसे लौंडे का, जिसने आते ही नॉनवेज खा लिया। 9 बज रहा, बस ही नहीं आई लौंडिया बा। तो फाइनली बस आ जाती तो हम लोग निकल जाते हैं। तो 1 बजे हम लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए ढाबे पे, क्योंकि भूख भी लग रही थी, घर से कुछ खाया भी नहीं था। एंड उसके बाद पहुँचते हैं हम लोग। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो हम लोग आ चुके हैं कृष्ण नगरी वृंदावन। रूम नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो रूम की तलाश में 4:30 बजे सुबह हम लोग को मिल चुका है रूम। तो चाय पी के फटाफट से रूम जाए। हम लोग आ गए रूम में और हो चुके हैं रेडी, तो अभी निकलते हैं मंदिर के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग? वाके बिहारी। एंड यार ऑफ सीजन में भी काफी भीड़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग को दर्शन मिल पाते हैं कि नहीं। एंड हम लोग इतने लकी हैं कि मथुरा वृंदावन हमारे उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे लोग दर्शन करने इतनी दूर दूर से आते हैं। एंड जैसे ही दर्शन मिले सच में यार गूज़बम्प। फाइनली हम लोग को बाकी बिहारी के दर्शन हो चुके हैं। एंड यार काफी एक्सपीरियंस काफी अनरियल था। एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड लकी एज वेल कि हम लोग को ये दर्शन हो पाए। तो उसके बाद हम लोग वहीं पे एक शॉप पे रुकते हैं नाश्ता करने के लिए। एंड हम लोग आलू टिक्की लेते हैं। आलू टिक्की का प्राइस 60 रुपये था, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फ्रॉम माई सिटी। एंड नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं स्कॉन। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्कॉन। एंड यार सच में इतना सही लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ आते ही सच में काफ़ी पीसफुल लग रहा था। एंड काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम, तो मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। तो इस्कॉन के फाउंडर है शीला प्रभुपदा जी, जिन्होंने कृष्णा कॉन्शियस जैसे कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और पीते हैं सिकंजी इलेक्ट्रोलाइज पूरी करने के लिए। बज चुके हैं 12 और सारे मंदिर हो चुके हैं बंद, और हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। और छोले भटूरे रास्ते में पैक करवा दे, क्योंकि भूख भी लग रही है यार, एंड काफ़ी धूप भी हो रही है। एक्सपीरियंस कैसा था इस्कॉन का? अच्छा था, पीसफुल था। और बाकी बिहारी? बाकी बिहारी क्राउडेड था, बट एनर्जी बहुत अच्छी थी। अच्छा, जो फटाफट से छोले भटूरे पैक कराते हैं, निकलते हैं अपने। आ गए रूम और इतनी तेज भूख लगी है, तो हम लोग छोले भटूरे खा रहे हैं। एंड उसके बाद रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं शाम को। शाम के 5 बजे रहे, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन की गलियों में वापस से घूमने और देखते हैं कहाँ जाना है। एंड काफी धूप है यार, 5 बज रहा है लेकिन फिर भी काफी धूप है। हम लोग जा रहे हैं निधिवन। सबसे पहले जा रहे थे हम लोग प्रेम मंदिर, लेकिन प्रेम मंदिर तो अभी खुला नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं निधिवन। तो हम लोग पहुँचते हैं निधिवन। एंड यहाँ पे बंदर काफ़ी ब्लैक मेलिंग है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अपना फ़ोन और चश्मा काफ़ी संभाल के रखे हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी केयरफुली बनानी पड़ी है। तो ट्राईपॉड भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो हाथ आए तो माफ़ कर देना। तो आज का हमारा लास्ट स्टॉप प्रेम मंदिर। एंड प्रेम मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, मतलब काफ़ी भीड़, तो इतना ज़्यादा रश था, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा घूम नहीं पाए, तो वहाँ से थोड़ी देर बाद लोग निकल जाते हैं। एंड काफ़ी रात हो रही थी, भूख भी लग रही थी। एंड कहीं पर जाओ मोमोज ना खाओ ऐसा हो सकता है, तो मोमोज खाने के बाद हम लोग निकल जाते खाना खाने। कैसा लग रहा है वृंदावन में आके? मज़ा आया। आज का दिन काफ़ी सही था, तो रात हो चुकी है, तो थोड़ा रेस्ट करके मिलते हैं सुबह। कहाँ जा रहे प्रभु? बरसाने जा रहे हैं। हम लोग आ गए बनारस नहीं। तो बरसाना यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है वृंदावन से। एंड हम लोग को 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है पहुँचने में। तो हम लोग पहुँचते हैं राडली जी महाराज श्री राधा रानी टेम्पल। एंड ऊपर से काफ़ी जोधपुर वाली वाइब आ रही थी, तो नाश्ता करके हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड पहुँचते हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? वाटर पार्क वृंदावन में वाटर पार्क जाने सोची। टू कृष्णा फन लैंड। अब हम लोग वृंदावन में वाटर पार्क एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मंदिर हो गए, अब ये कहना बहुत बोर हो रहा है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाटर पार्क एंड मौसम यार काफ़ी अच्छा हो रहा है यार, मज़ा आ रही है। तो वाटर पार्क जाना सच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, एंड द प्राइस ऑल्सो काफ़ी रीजनेबल था। एक्सपीरियंस वाटर पार्क का, वृंदावन वाटर पार्क का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, एकदम मज़ा ही आ गया, क्या बोले। मैगी कैसी थी ये बताओ पहले, लेकिन एक्सपीरियंस रिलैक्सिंग था। ये सब नहीं डालते भाई, डाल देना सब, मत खाना। हाँ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 50 रुपये माफ है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो कृष्णा फनलैंड में आइए, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कुलचे खा के वापस अपने चले जाते हैं होटल। एंड चेंज करके खाना खाने जाते हैं। एंड रात हो रही थी, काफ़ी भूख भी लग रही थी।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, लेकिन विद लहसुन प्याज वाला, तो देखते हैं कहाँ मिलता है। उसके बाद हम लोग को एक रेस्टोरेंट दिखते हैं जहाँ प्रॉपर घर वाला खाना मिल रहा था, उसको खा के सही में फुलफिल हो गया। एंड थोड़ी देर रेस्ट करके वापस निकल जाते हैं रूम, क्योंकि कल की ट्रेन है। तो फाइनली हम लोग की ट्रिप हो चुकी है ओवर 2 दिन की, और हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन आने में अभी टाइम है, तो हम लोग थोड़ा बाहर वेट करते हैं। एंड हम लोग की टिकट कंफर्म नहीं हुई। एंड प्रभु की लीला देखो कि आधे घंटे पहले टिकट ली जनरल की, एंड आराम से सीट भी मिल गई हम लोग को। एंड ट्रेन सुपर फास्ट थी, तो हम लोग 1:30 बजे अपने घर भी पहुँच गए। रात में आया था 2 बजे, एंड इतना थक चुका था कि सीधा अनपैक करके सो गया। और यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ सब्सक्राइबर बहुत कम है।